एक टॉपिक इस यूनिट के अंदर ये जो चल रहा है ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसके बाद में एक यूनिट एक टॉपिक और है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, यानी जो आप टाइट्रेशन करते हो प्रैक्टिकल के अंदर, हाँ, तो वो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किस तरह से होता है और इंडिकेटर उसके लिए क्या यूज करते हैं और कैसे उसको परफॉर्म करते हैं, वो एक टॉपिक और है, तो आपकी दिवाली से पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रही हूँ, आप इसको करके देखो। ये सारी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसका सिस और ट्रांसफॉर्म बना के देखना। ठीक है, सिस और ट्रांसफॉर्म जिसमें भी यहाँ पर मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो तो उसका आपका मिरर इमेज बनाना जो कि सुपर इम्पोज ना हो वो उसका क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है, करो इनको। क्या गया? ये बाकी के एग्जाम्पल है, इसको करके देखो। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है इसके अंदर सिस और ट्रांस दो फॉर्म होती है। अगर हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करें, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सिस फॉर्म। ठीक है, या समपक्ष। अब सिस फॉर्म के अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। जब यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो हम इसका क्या कर सकते हैं, मिरर इमेज बना सकते हैं। अगर मिरर इमेज बनता है तो वो किस तरह से बनेगा, ठीक है, और इसको सुपर इम्पोज करके देखो कि ये सुपर इम्पोज होता है क्या, नहीं होता। मतलब यानी ये दो इसके क्या है, ये भी सिस है लेकिन इसका क्या होता है, ये एक डी फॉर्म हो जाएगा और एक एल फॉर्म, यानी ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स है। जब आपने इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स बना के देखे तो टोटल 5 बनते हैं। ठीक है, 5 में से ये वाला जो सिस फॉर्म है यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ठीक है, जब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसी के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, और इसी का अगर ट्रांस बना के देखते हो जो कि कंप्लीट ट्रांस होता है, वो कौन सा होता है कि आपके सारे ये एक दूसरे के अपोजिट आ जाए, इस तरह। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो यहाँ पे इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमने बाइडेंटेट लिगेंड लिए हैं। ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक ही है जो कि दो जगह से जुड़ा हुआ है मेटल से। ठीक है, इसमें अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो तो है या नहीं है, नहीं है। ये किस तरह से है, देखो ये है किस तरह से, ये प्लेन है, इस प्लेन पे क्या है, बीच में मेटल। ठीक है, इसका ये वाले जो दो बॉन्ड है मेटल के, इसके ऊपर एक तो ये जुड़ा हुआ है ऐसे। ठीक है, दूसरा क्या है कि एक ऊपर वाले के साथ और एक इसके साथ ये वाला जुड़ा हुआ है इधर इस वाले कॉर्नर पे। ठीक है, दूसरा जो नेक्स्ट वाला है वो इससे और इस नीचे वाले से इस तरह से जुड़ा हुआ, तो एक दूसरे के ऊपर थोड़ी ना आता है, ओवरलैप नहीं करता, यानी यहाँ पे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, आप किसी तरह भी काट के देखो, इस तरह से काट के देखो तो भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आप इस तरह से काट के देखो तो भी नहीं है। ठीक है, किसी तरह से भी कोई भी प्लेन लेके जाके देखो आप, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है मतलब यहाँ पे इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर कैसे बनाएंगे, इसका मिरर इमेज बना दो जो कि सुपर इम्पोज ना होता। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज बनाओ। ठीक है, ये इसका क्या होगा, मिरर इमेज, एक डी फॉर्म होगा एक एल फॉर्म होगा, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तीसरा करके देखो कि हमारे पास दो बाइडेंटेड लिगेंड है और दो सेम लिगेंड है, तो यहां पर बना के देखो सिस और ट्रांस, और उस सिस और ट्रांस के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है,
ये देखो, ये क्या है, कौन सा फॉर्म है, सिस है ट्रांस है, सिस है, सिस है, क्योंकि ये हम किससे देख रहे हैं, सिर्फ ये जो डिफरेंट लिगेंड है इससे देख रहे हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पास है, यानी ये क्या है, सिस है, ठीक है। अब ये सिस के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है ये देखना है आपको, इस सिस फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, सममिति का तल है या नहीं है, दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है कोई भी सममिति का तल या नहीं, करके देख लो। आप ये वाला प्लेन लेते हो, यानी ये वाला प्लेन लेते हो, तो ये क्या करता है, ऊपर की तरफ बी रहेगा, नीचे की तरफ ये वाला पोर्शन रहेगा, यानी ये दो इक्वल पार्ट नहीं है, ठीक है। आप क्या करो, ये वाला लेके देखो तो यहाँ भी इक्वल पार्ट नहीं है, ये लेके देखो तो भी इक्वल पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। तो अगर इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनता है तो हम क्या करते हैं, इसका एक मिरर इमेज बना देते हैं। एक डी फॉर्म हो जाएगा और एक एल फॉर्म हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। ये फॉर्म कौन सा है, ट्रांस फॉर्म है ये वाला, इसी का ही, क्योंकि हमने इस बी को दूसरे से अपोजिट रख दिया, इसलिए ये ट्रांस फॉर्म है। अब इस ट्रांस फॉर्म में देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, ये है। अगर हम ये वाला प्लेन लेते हैं तो ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसके ऊपर की तरफ भी बी है, नीचे की तरफ भी बी है, यानी यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, सिर्फ किस में मिलेगा, सिस फॉर्म के अंदर मिलेगा। तो ये दोनों हमारी सिस फॉर्म है, एक डी होगी एक एल होगी, यानी दो ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे है। अब ये वाला खुद से बना के देखो, ये सिस है, ये ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। इस एग्जाम्पल का ये जो है, ये तो हमारा ट्रांसफॉर्म है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ये वाला प्लेन जो है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये हमारा सिस फॉर्म है, इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा, जो इसका मिरर इमेज होगा, तो आप इसका मिरर इमेज बना दो। ठीक है, ये भी सिस है, लेकिन एक डी होगा और एक एल होगा, ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला बना के देखो, नेक्स्ट बना के देखो कि इसमें सिस और ट्रांसफॉर्म दोनों, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो, पहले वाली फॉर्म है ये ट्रांस है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये जो ए है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है, इसलिए ये कौन सी ट्रांस फॉर्म है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कौन सी,
ये वाला प्लेन, ठीक है। तो आपके ऊपर ए बचेगा, नीचे ए बचेगा, यानी एक दूसरे को ये, यानी पूरे मोलिक्यूल को इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये हमारी कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म है। यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? नहीं है। तो इसका हम क्या करेंगे, मिरर इमेज बनाएंगे, जो इसका क्या होगा, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर होगा। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको देखो। इसमें दो बाइडेंट, तीन बाइडेंटेट लिगेंड ये है, ठीक है। इस एग्जांपल में तीनों के तीनों बाइडेंटेट लिगेंड है, लेकिन दो डिफरेंट है, एक डिफरेंट है। दो एक जैसे हैं, एक एक जैसा है। इसमें बना के देखो, ये वाले एक जैसे हैं, ये डिफरेंट है, दोनों ही बाइडेंटेट है। बिल्कुल दोनों बाइडेंटेट, बाइडेंटेट को हम ब्रैकेट में लिखते हैं ना। ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। आप इसको किस तरह से भी लिखो, आपका ये ही स्ट्रक्चर बनेगा। चाहे आप ए इधर लिख लो, बी इधर लिख लो, ठीक है, ये एक ही फॉर्म बनता है इसके अंदर, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, कौन सी है ये। इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो दो इक्वल पार्ट है ये, कैसे है ये देखने में ऐसे लग रहा है। आप फिर से वही देखो कि आप इसका और इसके साथ बोन बना रहे हो, ठीक है, इधर और एक इधर, एक इस साइड है, एक इस साइड है, ठीक है। ये इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती। तो जब भी आपको क्या करना है, इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है, तो इसका मिरर इमेज बना देना है। ठीक है, ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा दूसरा।